हरे कृष्णा। अब आइए हम बात करते हैं अंतिम राशि मीन राशि की। तो जो मीन राशि के जातक हैं उनके लिए आज का दिन कैसा रहेगा इसके बारे में आज हम आपको बात करेंगे और इनकी माली हालत कैसी होगी, मित्रों से लाभ मिलेगा या नुकसान होगा, महिला मित्रों की क्या भूमिका होगी ये भी बताएंगे और आज आपको एजुकेशन के फील्ड में कार्य करना चाहिए या कंस्ट्रक्शन में इसके बारे में बताएंगे, शेयर में पूंजी इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं इसके भी बारे में हम आपको बताएंगे, विदेश यात्रा की क्या स्थिति रहेगी, माता पिता से कैसे रिलेशन होंगे इसके भी बारे में बताएंगे, संतान को लेकर के कैसे सावधानी बरतें, अज्ञात तनाव से दूर रहे इसके भी बारे में बताएंगे, माता पिता की स्थिति कैसी रहेगी, कोर्ट कचहरी से आपको लाभ मिलेगा हानि ये भी बताने वाले हैं और अपनी स्थिति कैसे ठीक करेंगे उसके बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे और आपकी राजनीतिक स्थिति होगी या सरकारी नौकरी मिलेगी या व्यापार से लाभ मिलेगा या मल्टीनेशनल में काम करेंगे, मीडिया के क्षेत्र में कार्य करेंगे या वकालत के क्षेत्र में कार्य करेंगे, सारी बात आज हम आपको बताने वाले हैं कि आपको किस फील्ड में आगे बढ़ना है, किसका सहयोग होगा, ये सारी बात आज हम आपको बताने वाले हैं। आज आपको सावधानी क्या बरतनी है, ये भी बताएंगे, उपाय क्या करना है ये सारी बातें बताएंगे, सावधानी उपाय आपके लिए शुभ अंक क्या है, शुभ रंग क्या है ये सारी बातें आज हम आपको बताएंगे। अब आइए हम बात करते हैं मीन राशि की। तो अंतिम राशि मीन राशि के बारे में आप बताएंगे कि अंतिम राशि मीन राशि वालों का आज का दिन कैसा रहने वाला। तो आज जो मीन राशि वाले जातक हैं आज का दिन आपके लिए काफी स्वर्णिम है, आपका रुका हुआ कार्य संपन्न होगा, माता पिता का सुख मिलेगा, प्रॉपर्टी से लाभ मिलेगा, यदि कोई डिस्प्यूट प्रॉपर्टी में चल रहा है तो उसमें आपको विजयश्री मिलेगी, माली हालत आपकी अच्छी होगी, रोग और शत्रु परास्त होंगे, दूर देश की यात्रा का भी योग बन रहा है और कोई भी नया कार्य नया प्लान अगर करना चाहते हैं तो आपके लिए बेहतरीन है। व्यवसाय में अगर आप देखा जाए तो एजुकेशन शिक्षा के क्षेत्र में कोई बड़े लेवल पर कोचिंग सेंटर स्कूल कॉलेज इंस्टीट्यूशन खोलते हैं या उस फील्ड में कार्य करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। राजनीतिक दृष्टिकोण से भी आपका समय बहुत अच्छा चल रहा, आपको राजनीतिक लाभ मिलने की संभावना बन रही है, माली हालत आपकी अच्छी होगी और संतान सुख मिलेगा, किसी महिला मित्र के द्वारा काफी सहयोग मिलेगा और उनके माता पिता का भी सहयोग और सुख मिलेगा, माली हालत आपकी अच्छी होगी, विदेश यात्रा पढ़ाई के लिए जा सकते हैं, यदि आप विद्यार्थी हैं या खिलाड़ी हैं तो खिलाड़ियों के लिए यह समय विदेश जाने के लिए बहुत अच्छा आपका बहुत अच्छा रहेगा, यदि आप खेल के क्षेत्र में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो उसमें आपको सफलता मिलेगी, यदि शिक्षा के क्षेत्र में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो आज आपको लाभ मिलेगा और माता पिता का सुख मिलेगा, रोग और शत्रु परास्त होंगे, दूर देश की यात्रा का योग बन रहा है, जो बात आपको खराब लगती है उस तरह की भाषा का प्रयोग दूसरों के साथ ना करें, यदि आप लेखक हैं साहित्यकार हैं कहानीकार हैं या पत्रकार हैं तो आज का दिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आपको पैसे भी मिलेंगे मान सम्मान मिलेगा, माली हालत आपकी अच्छी होगी, हेल्थ और वेल्थ को लेकर के आपका चिंता समाप्त होगा, पत्नी के स्वास्थ्य में सुधार आएगा, भाग्य से आपके सारे कार्य संपन्न होंगे, इनकम का जरिया बढ़ेगा और अपने वाणी पर नियंत्रण रखें, कई बार आप छोटी छोटी बात को लेकर इरिटेट हो जाते हैं परेशान हो जाते हैं तो जितना उसमें बैलेंस रहेंगे जितना संतुलित रहेंगे उतना आपके लिए बेहतर रहेगा, तो आपको भारतीय प्रशासनिक सेवा में जाने का भी योग बन रहा है, एजुकेशन के फील्ड में अगर कोई तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी आज आपको बड़े पैमाने पर लाभ मिलते हुए दिख रहा है, तो मिला जुला के देखा जाए तो यह कालखंड आपके लिए आज का काफी बेहतरीन रहेगा, आज आपकी माली हालत अच्छी होगी और आज आपको उपाय क्या करना है, सावधानियां क्या बरतनी है, तो आज आपको सावधानी ये बरतनी है कि बहुत ही केयरफुल रहना है, किसी पर ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना है, उपाय क्या करना है, आज आप क्या करें कि ओम लक्ष्मी नारायण अभ्यो नमः इस मंत्र का जाप करें और विष्णु भगवान का नाम जपें, सहस्त्र नाम का जप करें आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा और आपके लिए शुभ अंक है, आपके लिए शुभ अंक है 3 और शुभ रंग है पीला और आज आपको उपाय में क्या करना है कि भगवान विष्णु जी की आराधना करना है। हरे कृष्ण।